Hello viewers, welcome to our channel. Please watch videos, like, comment, share and subscribe our channel. तो ऐसे ही लॉ में वाकई ये सच बात है, 100 में से 80 बेईमान है, 10-20% लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। जो ईमानदार हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो 80% बेईमान हैं मैं चाहता हूँ कि उनको तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाए मोदी सरकार द्वारा, गृहमंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा, और इनको सजा दी जाए। क्योंकि भारत के साथ गद्दारी करना, कर्तव्य के साथ गद्दारी करना भी अपने आप में बहुत बड़ा आतंकवाद है, और आतंकवादी की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। और जो सिस्टम के साथ खेल रहा है बिना सुनवाई के, जब उसका पर्दाफाश होता है तुरंत फास्ट ट्रैक से उसे सजा देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देखने में मुझे लग रहा है कि वाकई महकमे में डाकू की एंट्री हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्री देखने में लग रहा है। ऐसे महकमे के मैं हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ जो क्रिमिनल है, चाहे किसी भी पोस्ट का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी खानदान का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, अगर वो क्रिमिनल है फास्ट ट्रैक से उनको सजा देनी चाहिए, ताकि लोग क्राइम करने से, देश के साथ गद्दारी करने से घबराए, और हमारा देश जो हमने एक सपना पाल रखा है, आज वाकई बापू जी का जन्मदिन है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, मतलब देश के बापू और देश का लाल का जन्मदिन है। मैं कहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो हमारा नारा, ये तभी संपन्न होगा जब इस टाइप के जो 100 में से 80 बेईमान लोगों को मर्ज करेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, और इस डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले साजिद भाई को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ। हम सबको आके एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, नई राह मिली है, और हम भी कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं आप सबके सामने कि अपने काम में और अपने आजू बाजू में कहीं पर भी कोई अगर घोटाला या कोई किसी तरह का कोई क्राइम होता है, हम उसकी आवाज़ उठाएंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बिग अगर महंगे दाम पे बिके तो बिग ये क्राइम है, हर गंजे को हक है, सस्ता वरना बेचारा गंजा खुले आसमान में अपना नंगा सर लेके कहाँ जाएगा। तो ऐसे समाज में गंदगी नंगापन छाया हुआ है, और ये अपने भी गंजा सर गंजा लेके जाएगा नंगा, क्यों नसीब में। हाँ सर, मैं एग्री हूँ आपकी बात। सुनील जी, आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना, ऐसी कभी कोई बात हुई हो कि जहाँ पर यू ना आपको परेशानी झेलनी पड़ी हो कानून को लेकर? सर, मेरी बिल्डिंग में मैं पिछले 15-20 साल से केस लड़ रहा हूँ, और जितने ईगोइस्ट लोग हैं मेरे बिल्डिंग में, तो उसको सेंट्रली बनाया गया था जिसके नाम पे फ्लैट है ही नहीं। इतनी भीड़ चाल होती है, और मुझे बार बार कहा जाता है कि आप तो झोपड़पट्टी से आए, झोपड़पट्टी से मैंने घर में कमी ना हो, तो इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ आया हूँ। तुम तो पता नहीं किसके बाप की कमाई से यहाँ पर आए, किसके बाप की कमाई से यहाँ पर आए, तो होता है। तुम लोग आए हो, किसी की पत्नी के नाम पर फ्लैट है, किसी के फला के नाम पे, और घोटाले ही घोटाले दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका देखो घुटके खाने वाली तरह सर उठा के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, और मेरे साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे साथ ईश्वर था, मेरे साथ सच्चाई थी, मेरे साथ आप लोग सुनते, कानून था, कानून पे भरोसा था, दोस्तों का आशीर्वाद था, कि मैंने हमेशा उस जगह पे जाकर पूजा पाठ भी की, उस जगह पे गणेश पूजा करता था, वो भी उन्होंने बंद करवा दी कि तुम अपने घर पे करता हूँ मैं, असल करूँ। तो जो चीज़ें मैं बिल्डिंग के लिए अच्छा कर सकता था, अच्छा सोच सकता था, पूजा पाठ, वॉचमैन लोगों को इज्जत देना, उनके दुख सुख के बारे में पूछना, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम वॉचमैन लोगों को भड़काते हो, बिल्डिंग के खिलाफ भड़काते हो। तो मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन को सबसे कहा कि भाई, जब भी कोई पुलिस इंक्वायरी होगी मेरे फेवर में बोलना, जो सच है वही बोलना, वो भी कहते हैं। तो मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ, मैं बिल्डिंग में भी उठा रहा हूँ, और इस तरह की बातों को भी मैं अपने कॉमेडी में खुद कहता हूँ कि जितने सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं जो गंदगी की बात करते हैं, नंगेपन की बात करते हैं, गाली गलौज वाली कॉमेडी करते हैं, यूट्यूब पर सब देखते हैं, यूट्यूब पर टीवी पर भी कुछ लोग छाए गंदी कॉमेडी करते, तो मैं तो खुद कहता हूँ कि ये आतंकवादी, ये अपने प्रोफेशन के आतंकवादी है। जो अपने रोजी का सगा नहीं हुआ, वो तुम्हारा सुनने वालों का और देखने वालों का क्या सगा होगा। तो दर्शकों को भी आज जागरूक होना चाहिए कि जो रियल मेहनत करते हैं, जो परिवार को, दर्शक को अपना परिवार समझते हैं, स्टेज को, मंच को अपना मंदिर समझते हैं, भगवान समझते हैं, ऐसे कलाकारों का काम आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जितने भी सो कॉल्ड नंगे लोग हैं जो स्टेज पर आते तो बिना नहाए धोए आते, दाढ़ी नहीं करते, हाथ में माइक ऐसा पकड़ते हैं, वैसा पकड़ते हैं, बाल ठीक नहीं होते, गंदगी वाली
बातें होती है और उनको लोग अगर सो कॉल्ड जो कंपनी आ गई है अमेजॉन आ गई नेटफ्लिक्स आ गई है उनको तरक्की दे रही है तो ये आतंकवाद को बढ़ावा है। मैं तो अपने काम में भी चिल्लाता हूँ आवाज करता हूँ कि भैया ईमानदारी और मेहनत के लिए कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। हर काम को ईमानदारी से कीजिए तो आपका काम भी अच्छा होगा आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे और कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। एहसान जी आप बताइए आप किस तरह शुभकामनाएं देना चाहोगे साजिद भाई को जैन पॉल को और आपकी राय क्या है? सबसे पहले हमारे बापू राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है यौम पैदाइश है उनको यौम पैदाइश की पूरे देश को मुबारकबाद देते हैं। उसी सिलसिले में आज साजिद भाई ने भी इस दुनिया में जन्म लिया दो ऐसे महान लोगों का दिन तो उनको भी साजिद भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद। और देखो इन दोनों ने ऐतिहासिक काम किए तो साजिद भाई उसी दिन आए तो ये भी एक ऐतिहासिक काम ये दिन ही ऐसा है कि जो भी इस दिन पैदा होने वाला बंदा जो है देशभक्त होता है क्रांतिकारी होता है और देश के लिए जीता है और कुछ न कुछ इतना इतिहास रच के जाता है। मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट है ये भी इतिहास रचेगा। बहुत सारों को कानूनी जानकारी नहीं मालूम वो जानकारी मिलेगी इंसाफ नहीं मिलता उसके लिए आवाज़ नहीं आती। और मैंने भाईजान अब आपने बोले तो सुन लो मैंने बहुत पहले मैंने 4-6 लाइन सुनी थी मुझे आज भी ये देख के याद आ गया। बाबूजी गरीब का इस दुनिया में रखवाला कौन? बाबूजी गरीब का इस दुनिया में रखवाला कौन? हमदर्दी की भूख नहीं देगा हमें निवाला कौन? ओ बाबूजी बेटी मजबूर की घास काटने गई रही किस किस से अब कहे बेचारी कर बैठा वो काला कौन? ओ बाबूजी कोर्ट में हमने हलफ उठाकर सच बोला पर बिन पैसे कानून का वहाँ देता हवाला कौन? ओ बाबूजी अपने सब बैरी सावन भादो चैत बसा वरना मौसम बेमौसम देता देश निकाला कौन? ये नज़्म मुझे याद आ गई ये कविता याद आ गई ये दर्द है दिल के छाले जो कवि ने अपने ढंग से बोला है और ये सारे दर्द पेश करने जा रही है ये फिल्म। साजिद भाई को बहुत बहुत बधाई फिल्म का हमें इंतजार रहेगा जल्दी फिल्म आए और हम लोग सब फिल्म देखने जाएं और देश को कहीं ना कहीं जागृति लाएगी ये फिल्म। ऐसे सब्जेक्ट वाली फिल्म बननी चाहिए हम उसका समर्थन करते हैं। थैंक यू वेरी मच हमसे भी बहुत अच्छा बोलने वाले कतार में खड़े हैं आप उनको बुलाएं उनको सुने और आपका बहुत बहुत and YouTube uploading of any interview, press conference, music trailer launch or filmy event.